नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। तो स्वागत है आपके अपने चैनल फार्माओरिजिन 2.0 पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द साइंस, इज द मेडिकल साइंस दैट डील्स द ड्रग एंड देयर एक्शन इन ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल्स। मतलब फार्माकोलॉजी एक साइंस है, एक विज्ञान है जिसके अंदर हम दवाओं का अध्ययन करते हैं, मेडिसिन के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसको और आसान में अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि ड्रग का हमारे बॉडी में क्या प्रभाव देता है। जब हम ड्रग को लेते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो हमारा बॉडी में वो क्या करता है, कैसा प्रभाव देता है, और ड्रग लेने के बाद हमारा बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है, इसी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी कि ड्रग और बॉडी दोनों का कम्युनिकेशन, दोनों का कनेक्शन क्या है और क्या पॉजिटिव एक्शन देता है हमारे बॉडी में, इसी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी को हिंदी में औषध विज्ञान कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। फार्माकोलॉजी की उत्पत्ति 100 वर्ष पहले हुई थी, मेटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता था। फार्माकोलॉजी को अगर हम ब्रेक करें तो ये दो भाग में बंटता है। पहला आता है फार्माकॉन, दूसरी आती है लॉगस। फार्माकॉन मतलब ड्रग, मेडिसिन, और लॉगस मतलब टू स्टडी। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कह सकते हैं टू स्टडी अबाउट ड्रग, यानी कि मेनली रूप से फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में जानकारी देता है। आप सोच रहे होंगे ये ड्रग ड्रग बार बार क्यों, ड्रग कहीं वो तो नहीं जो आर्यन खान लेकर जेल में हवा खा रहा है। ऐसा नहीं है, वो ड्रग अलग है, चरस गांजा वो अलग कैटेगरी में आता है, और ये जो ड्रग है इससे मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मेडिसिन की प्रिपरेशन होती है, टैबलेट, कैप्सूल, इमल्शन, सस्पेंशन, जितना भी आप देख रहे हो वो ड्रग की बात हम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को, ड्रग को डेवलप करके डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल्स, इमल्शन, सस्पेंशन जब बन जाता है तब उसको हम मेडिसिन का नाम देते हैं, लेकिन इससे पहले की जो मटेरियल होती है उसको हम ड्रग बोलते हैं, ठीक है। ड्रग तो आपको समझ में आ गया, यानी कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल। अब समझते हैं ड्रग का उपयोग, यानी ड्रग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ठीक है। ड्रग का उपयोग मेनली तीन जगहों पे होती है। पहला होता है डायग्नोसिस, दूसरा होता है प्रिवेंशन, तीसरा होता है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस हम क्यों करते हैं, डायग्नोसिस का मतलब डिटेक्ट करना, यानी कि एक्सरे का आप ले लो। एक्सरे हम क्यों करते हैं, इसलिए ताकि हम कंफर्म करते हैं किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर को कि वो है या नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस करते हैं, यानी टेस्ट करते हैं, तो उसी को डायग्नोसिस बोलते हैं। जैसे एक्सरे करना, तो पहले जो एक्सरे होती थी उसको नॉर्मल एक्सरे में पहले साफ नहीं दिखता था, क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होती थी। अब क्या हुआ, डिजिटल एक्सरे आ गया, उसमें क्या होती है कि क्लियर दिखता है। वो क्यों क्लियर दिख रहा है, क्योंकि उसमें ड्रग का इस्तेमाल किया गया, बिस्मथ सल्फेट नाम की मेडिसिन होती है जो एक्सरे से पहले पेशेंट को दिया जाता है। और जब एक्सरे की बारी आती है तो एक्सरे लाइट जब उसके बॉडी में पड़ता है तो वो लाइट क्या करता है, बिस्मथ सल्फेट सस्पेंशन वो खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और जहाँ पर इफेक्टिव है उसको साफ़ कर देता है, वो एक्सरे का डिजिटल बढ़ जाता है, हमें साफ दिखाई देता है। तो ये डायग्नोसिस हो गई। अब बात करते हैं ड्रग का यूज प्रिवेंशन में कैसे होता है। प्रिवेंशन एक ऐसी स्टेप है जो आने वाले खतरों को रोकता है, यानी कि रोग से पहले का स्टेप है, जिसके वजह से हम ले लेते हैं ड्रग को तो वो क्या करता है, आने वाले खतरों को पहले ही सावधान कर देता है, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं, बैक्टीरिया वायरस एंट्री नहीं करता। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो सबसे बड़ी एग्जांपल है कोविड वैक्सीन जो भी आ रही है। कोविड वैक्सीन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको कोरोना ना हो जाए, पोलियो वैक्सीन होगी और क्या है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, जितनी भी टाइप्स का वैक्सीन देख रहे हो, वैक्सीन का मेन काम क्या है कि जो रोग है उसको आने से पहले ही रोक देगा। एक सिक्योरिटी की तरह हमारी बॉडी में वो खड़ा है, किसी भी रोग को, वो बैक्टीरिया वायरस को एंट्री कर नहीं देगा, तो उसको प्रिवेंशन बोलते हैं। यानी कि हर तरह का जो वैक्सीन आप देख रहे हो डोज, वो क्या है, प्रिवेंशन है, जो रोग को आने से पहले रोक देता है, रोग को एंट्री कर नहीं देता हमारा बॉडी में। दो तीसरी आती है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, जैसे कि जब हमारे डॉक्टर कोई भी डिजीज़ को डिटेक्ट करता है तो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। जैसे मेडिसिन मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स। यही सब जो मेडिसिन होता है जो हमारा बॉडी को ठीक करता है। ड्रग का इस्तेमाल तीन जगहों पे आप समझ लिए, पहला डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। तो आपने समझ लिया कि फार्माकोलॉजी औषध विज्ञान क्या होती है और ड्रग क्या होता है और ये कैसे काम करता है हमारे बॉडी में। फार्माकोलॉजी का मेन एक्शन क्या होता है, इसका फार्माकोलॉजी के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है फार्माकोडायनेमिक्स और दूसरी आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जब हम ड्रग अंदर लेते हैं, बॉडी में जाता है, तो वो कैसे काम करता है, किस किस रास्ते से गुजरता है, कैसा कैसा खेल होता है अंदर, तब जाके हमें एक्शन देता है, और वहीं पे एक्शन देता है जहां हमें ज़रूरत है और कहीं पे नहीं।
तो ऐसी जानकारियाँ फार्माकाइनेटिक्स और फार्मोडायनेमिक्स के पास है। तो इस टॉपिक पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है आपके लिए और ऐसी वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको हम ऐसी सेवा देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।